तो चलिए गाइज, यहाँ पे जितने भी छात्र एग्जाम देकर आए हैं फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन 2023 का, दोस्तों क्लास टेंथ वालों के लिए सोशल साइंस का आज एग्जाम हुआ था, उसका हम लोग यहाँ पे आंसर की लेकर आए हैं। दोस्तों टोटल मार्क्स आप लोग को 80 प्रश्न का था, 80 नंबर का था, जिसमें से आपको 50% ऑब्जेक्टिव था, 48 नंबर का 48 क्वेश्चन, जिसमें से 40 का जवाब देना था। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आंसर की लेकर आए हैं। यही आप लोग को क्वेश्चन मिला होगा फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन 2023 का। तो चलिए यहाँ पे सोशल साइंस का हम लोग आंसर की देखते हैं और आप लोग को पता भी चल जाएगा कितना आप लोगों ने सही करके आया है। ठीक है, इसी तरीके के हर सब्जेक्ट के लिए मैं लेकर आऊँगा दोस्तों। और यूट्यूब पे आप लोग को कई सारे फेक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो किसी पे विश्वास मत करो दोस्तों, और आप लोग अपने एग्जाम्स की तैयारी करो। ठीक है ना, किसी पर ये मत सोचो कि वायरल हो गया, इस तरीके के प्रश्न पत्र मत देखा करो। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके से आप लोग को यहाँ पर सारे क्वेश्चन आंसर दिखाए जाएंगे। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है कि इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में स्थित है। देखिए इटली और जर्मनी जो है अभी फिलहाल में वो आपका यूरोप देश में, यूरोप एक महादेश है उसमें स्थित है। जैसे भारत जो है किस महादेश में है, तो एशिया में, उसी तरीके से इटली और जर्मनी यूरोप में है, तो एक का सी हो जाएगा। चलिए सेकेंड नंबर प्रश्न देखते हैं कि 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था। देखिए 1917 के जो रूसी क्रांति था, उस समय जो जार का शासन था वो था जार निकोलस द्वितीय। क्या था? जार निकोलस द्वितीय का शासन था। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर प्रश्न देखते हैं, क्या कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने कब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया। तो सभी को पता है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, लेकिन कितने ईस्वी में घोषित किया गया था। देखिए 8 मार्च एक ही ऑप्शन में है, तो यही आपको लगाना था, 8 मार्च 1975। नेक्स्ट है कि रूस में जार किसे कहा जाता था। देखिए रूस में जो जार कहा जाता था वहाँ के राजा को कहा जाता था, तो राजा का मतलब यहाँ पे सम्राट को कहा जाता था। ठीक है, तो 4 का सही उत्तर क्या होगा यहाँ पे? बी। चलिए फिफ्थ नंबर प्रश्न करते हैं कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया। जब भारत की बात आएगा दोस्तों लाल कुर्ती का गठन, और यहाँ पे देखो जितने भी नाम दिया गया, बिस्मार्क, काबूर, मेजनी, गैरिबाल्डी, ये सारे आपको बाहर के हैं, मतलब भारत के बाहर। जब भारत का आएगा लाल कुर्ती का गठन, तो वो खान अब्दुल गफ्फार खां हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में है ही नहीं, तो ये हो जाएगा आपका गैरिबाल्डी ने। क्या हो जाएगा यहाँ पे? गैरिबाल्डी ने। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी। तो यंग इटली की स्थापना मेजनी ने किया था, सही उत्तर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। सेवन नंबर देखते हैं कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था। तो वहाँ पे था बुरो वंश का शासन। ठीक है, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय बुरो वंश का यहाँ पे, तो सेवन का सी करेक्ट हो जाएगा। एट नंबर देखते हैं कि अंकोर वाट का मंदिर किस देश में स्थित है। तो अंकोर वाट का मंदिर आपको पता ही होगा कि कंबोडिया देश में स्थित है, डी करेक्ट हो जाएगा। नाइन नंबर है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे, पुर्तगाली थे। ठीक है ना, पुर्तगाली ही थे जो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे। नेक्स्ट है कि फ्रांस की महान क्रांति कब हुई थी। 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। तो देखिए ये पुनर्जागरण से माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए। अगला है कि समाजवादी भावना का उदय किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ था। तो समाजवादी भावना का जो उदय है वो आपका औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ था। 13 नंबर देखते हैं कि 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ। तो यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों? राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुआ। देखिए ये सारे प्रश्न जितने भी थे आप लोगों को 48 को क्वेश्चन टोटल पूछा गया था, जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 40 का जवाब देना था। अगला है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी। देखिए क्वेश्चन नहीं दिख रहा लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ कि नेपोलियन संहिता जो है किस वर्ष लागू किया गया था। तो ये लागू किया गया था 1804 ईस्वी में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 नंबर देखते हैं कि समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है। तो ये देता है आर्थिक समानता पर, ऑप्शन नंबर डी। 16 नंबर है कि पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। तो देखिए पवन ऊर्जा जो है ये आपका नवीकरणीय संसाधन है, नवीकरणीय, जिसको बार बार हम लोग उपयोग कर सकते हैं और बना भी सकते हैं। 17 नंबर है कि इनमें से किस संसाधन का भंडार सीमित है। देखिए भंडार सीमित का मतलब बहुत ही कम मात्रा में है, तो वो कोयला है। क्या है? कोयला। बाकी जितने भी ये सारे बहुत ज़्यादा भंडार है। ठीक है, 18 नंबर है कि राजस्थान में किस संसाधन की प्रचुरता है। देखिए राजस्थान में जल ऊर्जा और खनिज ऊर्जा, ये दोनों की प्रचुरता नहीं है, लेकिन पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा दोनों है। तो आपको लगाना क्या है दोस्तों यहाँ पे? सौर ऊर्जा। क्या लगाना है? पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा में दोनों आंसर सही है। ठीक है ना, 18 का बी और सी दोनों सही है। मिट्टी का पीएच मान कितना होता है। देखिए मिट्टी का पीएच मान 7 के प्रोक्स होता है, 6 और 7 के बीच में, तो 6 ऑप्शन में है, नहीं तो 7 लगाना है। 20 नंबर है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार किस राज्य में सबसे अधिक है, तो वो राजस्थान होगा। कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो कोयला जो है वो आपका अनवीकरणीय संसाधन है, जिसको हम लोग बार बार उपयोग नहीं कर सकते हैं।
और बना भी नहीं सकते, कई लाखों करोड़ वर्ष लगते हैं। अगला है कि किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, तो वह है मध्य प्रदेश, भारत का। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो मोर है, मयूर जिसको हम लोग बोलते हैं। टैक्सोल का उपयोग होता है, टैक्सोल का उपयोग कैंसर में होता है। चरक का संबंध किस देश से है, तो चरक का संबंध भारत से है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, देखिए उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जो होते हैं वो आपको कितने प्रकार के होते हैं यही बताना था, ठीक है ना। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा दो प्रकार के होते हैं। अगला देखते हैं कि भारत के कुल भूमि का कितना प्रतिशत मैदानी क्षेत्र है, तो ये 43% हो जाएगा। रंगभेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले कौन थे, तो मार्टिन लूथर किंग था, ठीक है। उसके बाद जो हुआ वो नेल्सन मंडेला था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या टोटल 8 है अभी फिलहाल, 8। भारतीय संविधान में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों के विभाजन की कितनी सूचियाँ हैं, तो 3 सूचियाँ हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में कितने भाषाओं को मान्यता दी गई है, तो भारतीय संविधान में टोटल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। अगला है कि किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज की संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई है, तो 73वें संविधान संशोधन के तहत। संपूर्ण क्रांति किसके नेतृत्व में चला गया था, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, ठीक है। लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, देखिए लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, भारत एक राज्य है, तो भारत एक कौन सा राज्य है, तो लोकतांत्रिक राज्य है। ऑप्शन नंबर डी, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हो जाएगा यहाँ पे। चलिए 37 देखते हैं कि बिहार में पंचायती एवं नगरीय संस्थाओं में जो टोटल प्रतिशत दिया गया है महिलाओं का आरक्षण, वो 50% है, मतलब किसी भी काम में अब 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है बिहार में। 38 है कि अर्थव्यवस्था में रोजगार प्राप्त होता है किस क्रियाओं से, तो देखो आर्थिक क्रियाओं से, एक करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र का उत्पाद नहीं है, तो ये हो जाएगा बी, निर्माण उत्पाद। प्राथमिक क्षेत्र मतलब हो गया आपका कृषि उत्पाद से रिलेटेड, कृषि, पशुधन, मवेशी, मछली, ये सारे आपको प्राथमिक क्षेत्र का उत्पाद कहलाता है। अगला है, इनमें से किसे सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र जो है तृतीय क्षेत्र को कहा जाता है और द्वितीय क्षेत्र को उद्योग कहा जाता है, ठीक है, उद्योग। भारत एक कौन सा व्यवस्था है, तो अर्थ मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। परिश्रम से अर्जित, देखिए कोई भी व्यक्ति अगर परिश्रम करता है तो उसको क्या मिलता है, उसके बदले आय मिलता है, यहाँ पे आय हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि श्रमिक का मेहनताना, तो श्रमिक का मेहनताना परिश्रमिक जो कहलाता है उसका मजदूरी कहलाता है एक दिन का, ठीक है, मजदूरी। रैगनर नर्क्स के अनुसार गरीबी जन्म देती है गरीबी को, ठीक है, गरीबी जो जन्म देती है गरीबी को। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान जो है लगाया था दादा भाई नेहरू जी ने, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 46 नंबर देखते हैं कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसको होती है, पशुओं की, फसलों की, मकानों की, इनमें से सारे हो जाएंगे, इनमें से सभी। सूखे की स्थिति होती है धीरे धीरे, एकाएक नहीं होता है। बाढ़ क्या होता है, बाढ़ अचानक आ जाता है, सूखे लेकिन धीरे धीरे होता है, ठीक है। जैसे अभी बाढ़ पानी नहीं हो रहा है तो वो सूखे की स्थिति धीरे धीरे बनेगी। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक आपदा है, तो बाढ़ भी और भूकंप भी है, तो ए और सी यहाँ पे दोनों हो जाएगा, जो ऑप्शन में है ही नहीं, कहीं ए एंड बी दोनों, ये गलत, ये भी गलत। आतंकवाद तो आपको मानव जनित आपदा है, ए और सी ही यहाँ पे करेक्ट होगा। जो छात्र ए लगाए होंगे और सी लगाए होंगे सबका सही होगा, ठीक है, ए वाले और सी वाले दोनों का आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे ये सारे प्रश्न थे, ठीक है, और ये सारे आप लोगों को लघु और दीर्घोत्तरीय प्रश्न थे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग 40 नंबर तो आसानी से लेकर आ गए होंगे, 48 में काफ़ी इजी प्रश्न थे, इसी तरीके के हर सब्जेक्ट का रहेगा, तो टेंशन नहीं लेना है। जो भी छात्र परेशान है कि मेरा एग्ज़ाम कैसा जाएगा, तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपको एग्ज़ाम देना है, ठीक है, रिलैक्स मूड में, ताकि आपको कोई टेंशन ना हो। इसी तरीके के मैं आप लोगों को हर सब्जेक्ट का लेकर आऊँगा, मैथमेटिक्स का, ठीक है, साइंस का, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सब का। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप तो तैयारी करते रहिए। बाय बाय सभी को।